Hi everyone. ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आपका एस एस सी दो का एग्जाम है या तो अभी है आने वाले कुछ दिनों में या थोड़ा सा लेट है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाते हो वो आपको कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए इसमें मैं आपको एक एम टी का रियल पेपर करके दिखाऊंगा कि अगर मैं हूं आपकी जगह तो मैं कैसे करूंगा और देखो जिनका पेपर पास में है उनको हेल्प मिलेगी इससे कि वो पेपर में उस पेपर को इंग्लिश का जो सेक्शन आएगा उसको कैसे अटैम्प्ट करना है और जिनका पेपर डिले है जो मॉक लगा रहे हैं इंग्लिश सेक्शनल के इंग्लिश सेक्शन के तो उनको देखो ये देखना है इस वीडियो के थ्रू कि आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं जो सेक्शन इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से एरर फाइंड आउट किया जाता है क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को लगाने की और जब एक बार आप इंग्लिश का सेक्शन लगा देते हो देखो मैं बहुत बोलता हूँ आपसे एनालिसिस करो एनालिसिस करो तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया एनालिसिस कैसे करें आप वो बता दो ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको उसके एनालिसिस कैसे करने उसके नोट्स कैसे बनाने वो चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है और ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ अगर आप इस तरह से मॉक अटैम्प्ट करोगे और इस तरह से एनालिसिस करोगे अगर आपके पेपर में अभी दस पंद्रह दिन हैं तो आप ऐसे करके देखो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा और जिनका पेपर अभी आने वाले दो चार दिन में ही है ठीक है तो वो इस पेपर इस वीडियो को देख लो आपको अंदाजा होगा कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कोई पेपर क्वेश्चन आ रहा है ग्रामर का या बुकेब का है, वो आपकी अप्रोच क्या होगी उस पेपर को लगाने की तो चलिए इसमें मैंने एम टी का एक शिफ्ट का रियल पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूँ तो उनको लगा के देखते हैं क्या अप्रोच होगी हमारी उन क्वेश्चन को लगाने की तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन की सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले क्वेश्चन की डायरेक्शन पढ़नी चाहिए आपको ठीक है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिविन एज ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कंटेंस एयर और देखो आपको सबसे पहले अपने पेपर में ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो डायरेक्शन दी होती है ये पढ़ लेना जल्दबाजी मत करना कभी एंटो आता है तो साइनो लगा देते हो कभी कुछ साइनो आता है तो एंटो लगा देते हो और ढंग से पढ़ते नहीं हो करेक्टली पूछा होता है तो अनकरेक्टली लगा देते हो इसमें तो वैसे भी चलो आप समझ जाओगे बिना पढ़े भी लेकिन रियल पेपर में हर हर क्वेश्चन की डायरेक्शन पढ़ना क्योंकि टाइम की कमी नहीं है आपके पास टाइम बहुत है सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको डायरेक्शन पढ़नी है आपको समझना है कि पेपर में क्या पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है फिर उसके बाद हमें बेसिकली इसमें ये पूछा है कि किस पार्ट में एरर है वो पार्ट बताना है ठीक है यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ अगर आ, इसको पढ़ूँ मैं सेंटेंस को अ सूद बॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू कॉम्पोनेंट्स ठीक है अभी देखो मुझे नहीं पता इसमें किसमें एरर है या नहीं पहली बात तो आप तो ये वीडियो को पॉज करके खुद देखो कि आपको इसमें एरर ढूंढ दू पा रहे हो या नहीं ढूंढ पा रहे हो नहीं ढूंढ पा रहे हो तो हम बात करते हैं कि अगर कैसे अप्रोच लगाते हैं क्वेश्चन में एरर ढूंढने की सबसे पहले देखो यहाँ पर कन्वे आ रहा है ठीक है सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखोगे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है या नहीं मतलब जो सब्जेक्ट है वर्ब और पसेसन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं ये चीज़ देखनी है तो मेरा सब्जेक्ट है वॉइस मेरा सब्जेक्ट क्या है बॉयस है और बॉयस के बाद आप बोलोगे भैया कन बॉयस देखो सिंगुलर नाउन होता है बॉयस सिंगुलर नाउन होता है और इसके बाद कन्वेज आना चाहिए कन्वेज आना चाहिए आप बोलोगे भैया कन्वे जाना चाहिए मतलब ये इस वाले पार्ट में कन्वे वाले पार्ट में गलती है लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूँगा मैंने आप चीज़ आप लोगों को एक बात पढ़िए मतलब पढ़ाइए अगर आप किसी और टीचर से पढ़े हैं तो उन्होंने आपको एक चीज़ बात बात बताई होगी कि जो मॉडल वर्ब होती है आपकी जो मॉडल वर्ब होती है आपकी उसके बाद जो बी, बी जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है मॉडल वर्ब के बाद मॉडल मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म ऑफ बर्ब होती है क्या होती है बेस फॉर्म ऑफ बर्ब उसमें हम एस या ई एस ई डी वगैरह कुछ भी नहीं लगाते जैसे मैं बोल दूँ आसूद बॉयज़ कन्वेज तो कन्वेज होता अगर मेरा मस्ट नहीं आता अगर मैं इसे सिंपल पास्ट में सिंपल प्रेजेंट में बना रहा होता या सिंपल पास्ट में बना रहा होता तो कन्वेड आता अगर मेरी मॉडल बर्ब आ गई तो ना ना तो यहाँ कन्वेड आएगा ना कन्वेज मतलब कुछ नहीं आ सकता कन्वेज भी नहीं आ सकता बेस फॉर्म ऑफ द बर्ब आएगी तो सबसे पहले तो मेरा ये कन्वे सही है बर्ब सही है मैंने हमेशा बोला है सबसे पहले बर्ब देखो बर्ब सही है या नहीं दूसरी बर्ब देखो कैन बी एट्रीब्यूटेड अब क्या यहाँ एट्रीब्यूटेड सही है या नहीं बिच कैन बी एट्रीब्यूटेड तो अगर आपने इंग्लिश पी वाई क्यू सीरीज़ फॉलो की थी तो मैंने आपको बताया था बिच कैन बी एट्रीब्यूटेड मतलब ये किसी के मतलब एट्रीब्यूट की जा रही है ये पैसे बॉयस में कैन के साथ बी लगा हुआ है ये हमारा पैसे बॉयस में बना बना रहा है और देखो कैन मॉडल बर्ब है डायरेक्ट मैं एट्रीब्यूट नहीं लगा सकता हूँ इसलिए मैंने बी लगाया है और वैसे भी आप सबको पता है ये हमारा पैसे बॉयस में इसे पढ़ के समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ये एट्रीब्यूट भी सही है तो मतलब इसमें सब्जेक्ट बर्ब एग्रीमेंट का तो एरर नहीं है अभी तक अगर आप एरर नहीं ढूंढ पा रहे हो ठीक है असूद बॉयस मस्ट कन्वे बोथ बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी तो इसमें तो कोई गलती है ही नहीं ठीक है उसके बाद देखो गलती कहाँ होती है आपकी प्रपोजिशन में या किसी और चीज़ों में जब यहाँ मतलब यहाँ तो कोई गलती है ही नहीं ठीक है क्वालिटीज अब देखो एक से ज़्यादा भी क्वालिटीज हो सकती हैं जैसे हम कॉन्फिडेंस इंटीमेसी की बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ तो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं ठीक है थीके? तो क्वालिटीज हमारी सही है क्वालिटीज़ के साथ बिच ये सही इसको रिलेट uh, कर रहा है कैन भी कैन भी इसलिए आया क्योंकि हमारा ये पैसे बॉयस है पैसे बॉयस है उसके बाद आता है हमारा एट्रीब्यूटेड अब पैसे बॉयस में आ, आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है अभी बताया टू अ फ्यू कॉम्पोन फ्यू कॉम्पोनेंट अब आप एक चीज़ में कन्फ्यूज हो सकते हो कि आ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा या फ्यू आएगा तो देखो एक चीज़ बात में हमने बताई है कि आ फ्यू जो आपका फ्यू होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है मतलब इनसफिशेंट अभी एक चीज़ बताओ मेरे को यहाँ पर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू कॉम्पोनेंट्स अब एक वॉइस है जो कि कन्वे कर रही है आपकी कॉन्फिडेंस भी इंटीमेसी भी और जो क्वालिटीज एट्रीब्यूट कर रही है मतलब वो रीजन बन रही है कॉज बन रही है तो यहाँ पर हमारा सफिशियंट को दर्शाएगा और सफिसियंट दर्शाने के लिए आफ यू आता है तो यहाँ पर मेरा आफ यू सही है ठीक है अब देखो एक चीज अगर हम वैसे तो ये एरर थोड़ा आसान है मतलब आज सब बता देंगे देखो वॉइस है मेरा नाउन वॉइस नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करता है कौन बहुत कई बार हमने पढ़ा है नाउन को क्वालिफाई करता है आपका एडजेक्टिव अब एडजेक्टिव या तो प्योर एडजेक्टिव हो लेकिन अगर हमें वर्ब दे रखी है और वर्ब को अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना सकते हैं ठीक है पास्ट पार्टिसिपल भी बनता है अगर हमें वर्ब को एडजेक्टिव बनाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं हम उसे आई एनजी लगा के तो देखो अब ये सूद क्या है आपको इतना पता होना चाहिए कि सूद है वर्ब सूद आपकी क्या है सूद है आपकी वर्ब अब एक बार बताओ मेरा यहाँ पे मैं एक मिनट इसे रफ कर देता हूं ठीक है मेरा मुझे कहीं नहीं जाना था अगर मैं यहीं चेक करता तो मुझे एरर मिल जाता कि वॉइस इसमें सबसे पहले देखो सेंटेंस की शुरुआत नाउन से होती है तो सबसे पहले नाउन देखो नाउन क्या है मेरा भैया सूद क्या नाउन है कि वॉयस नाउन है तो आप बोलोगे भैया बॉइस नाउन है ये तो इतना तो हम जानते हैं ठीक है बॉय इसके बाद मॉडल बर्ब भी आ रही है ठीक है मॉडल बर्ब से पहले नाउन आएगा और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आएगा और जब मेरा एडजेक्टिव यहाँ पर सूद आ रहा है तो मतलब सूद आ रहा है ये सूद बर्ब है एडजेक्टिव तो नहीं है और जब मुझे बर्ब को अगर एडजेक्टिव बनाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा तो यहाँ पर सूद ना के सूदिंग हो जाएगा सूद ना के मेरा यहाँ पर सूदिंग हो जाएगा ठीक है एक तो मैं इस तरह से एरर निकाल सकता हूँ ठीक है पेपर में अगर मुझे समझ में आ रहा है चलो सूद में एरर है ठीक है ऐसे ऐसे अगर हमारा दे रखा है और मुझे समझ में आ रहा है कि चलो मेरा यहाँ पर एरर है यहाँ पर एरर अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ये भी देख सकता हूँ कि देखो मॉडल आ रही है उसके बाद बेस फॉर्म आ रही है इसमें कोई एरर नहीं है बूथ के बाद कॉन्फिडेंस एंटीमेशन आ रहा है इसमें कोई एरर नहीं है क्वालिटीज़ बिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू अ फ्यू कॉम्पोनेंट में कोई एरर नहीं है तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन है फ्यू कॉम्पोनेंट फ्यू की कॉम्पोनेंट में कोई एरर है आप बोलोगे नहीं है ठीक है आप बोलोगे कन्वे बूथ कॉन्फिडेंस तो आप बोलोगे इसमें भी कोई एरर नहीं है बिच कैन बी कैन के बाद वर्ब की सेकंड मतलब यहाँ पर बस बी आ रही है बीस फॉर्म आ रही है तो हमारा सही है क्योंकि ये पैसे बॉयस में बना हुआ है तो हम ऐसे ऑप्शन में भी देख सकते हैं किस ऑप्शन में एरर नहीं है जब हमें ये पता चल गया कि हमारा इन दोनों ऑप्शन में तो एरर नहीं है तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ऑप्शन में इसमें एरर है और फिर अगर जब हमें पता चलता है और हम थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से देख रहे होते हैं कि यार किस पार्ट में एरर है किस पार्ट में नहीं है तो फिर हम और ध्यान से सोचेंगे कि हाँ यार ये सूद आएगा नहीं आएगा तो इस तरह से आपको मॉक दे रहे हो उसमें भी अटैम्प्ट करना है ठीक है इस तरह से आपको अगर आप गलत क्वेश्चन कर देते हो और बाद में एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आना चाहिए देखो बहुत सारे लोग हैं मतलब कि जिनसे मैं बात की है अच्छा एनालिसिस करेंगे उन्हें पता चल गया कि हाँ यहाँ सूद ना के सूदिंग आएगा लेकिन अगर उनसे पूछ लो क्यों आएगा नहीं बता पाएंगे जब तक आप इस क्यों के पीछे नहीं भागोगे इंग्लिश में कि ये आ रहा है क्यों आ रहा है क्या रीजन है तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा ये चीज याद रखना अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया उसके बाद देख लेते हैं Select द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिबिन बर्ड ठीक है हमारा आ, गिबिन बर्ड दे रखा है जैसे यहाँ पर empathetic इम, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं लॉनली merciless, charismatic और फ्रेट फ्रस्ट, फ्रस्ट्रेटेड अब देखो empathetic थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा ठीक है वहीं पर अगर मैं अगर देखो आपको कुछ एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता ना पेपर में तो आप अगर जैसे मॉक दे रहे हो ठीक है आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है समझ में तो आपको उसका बिल्कुल क्लोज वर्ड देखना कोई याद आ रहा है अब यहाँ से आपको एक वर्ड आपने जरूर देखा होगा एम्पैथी एम्पैथी हम बहुत सुनते हैं ना सिंपथी दिखा रहे हो उसकी तरफ उसकी तरफ मेरी इम्पैथी है ठीक है तो सिंपथी एम्पैथी इसका मतलब है किसी की तरफ मतलब एक तरह से किसी से सहानुभूति होना अब देखो यहाँ पर एक बर्ड तो हमने सबने सुना है ना कि लॉनली तो लॉनली होता है अकेलापन अब मुझे एंटोनियम बताना है ठीक है तो सहानुभूति का लॉनली एंटोनियम तो नहीं होगा अपोजिट वर्ड तो नहीं होगा ठीक है चैरिसमेटिक अब मुझे बताओ चैरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है तो चैरिस्मेटिक का मतलब होता है किसी पर्सन की क्वालिटीज़ वगैरह को जो दिखाते हैं उसके लिए हम चैरिस्मैटिक यूज करते हैं अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता चपोज ये बर्ड आपको नहीं पता तो दो मिनट इसे छोड़ दो उसके बाद है फ्रस्ट्रेटेड अब देखो फ्रस्ट्रेटेड तो हर इंसान जानता है फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है आप भी जानते होंगे फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है ठीक है फ्र... जब हम फ्रस्ट्रेटेड डेली के मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ ठीक है हम फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेटेड का मतलब जब हम जानते हैं तो हमारे पास दो वर्ड बचे एक बचा चैरिस्मेटिक एक बचा मर्सीलेस देखो मैंने आपको जो इंग्लिश ग्रामर रूल कराए हैं थर्टी फाइव इंग्लिश ग्रामर रूल कराए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर हमारा मर्सीलेस है मैंने आपको बताया है कि किसी वर्ड के आगे आ लग जाए या एन लग जाए तो वो नेगेटिव साउंड करने लगता है वहीं पर अगर किसी वर्ड के आगे फुल लग जाए तो वो पॉजिटिव साउंड करने लगता है और लेस लग जाए तो वो नेगेटिव साउंड करने लग जाता है ठीक है चैरिस्मेटिक आप कंफ्यूज हो कि ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है लेकिन आप इतना भी देख सकते हो कि यहां पे लेस आ रहा भैया ये नेगेटिव वर्ड है ठीक है सपोज आप आपको लॉन्ली पता चल गया ये है नहीं फ्रस्ट्रेटेड आपको पता चल गया ये है नहीं क्योंकि इंफेटेटिक सहानुभूति दिखाना एक पॉजिटिव वर्ड है मुझे नेगेटिव वर्ड देखना है और चैरिस्मेटिक अगर तुम देखोगे ना चैरिस्मेटिक कलेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मतलब पढ़ने में ही पॉजिटिव लग रहा है अगर आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता तो लेकिन मर्सीलेस आपको पता चल रहा है लेस आ रहा है यह नेगेटिव वर्ड है हंड्रेड परसेंट यहां पर जब हमें पता चल गया ये नेगेटिव वर्ड है तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी लगाने जाओगे तो मरसी लेस लगा दोगे और देखो बहुत सुनी होगी कि मर्सी के मतलब मर्सी तो बहुत कहते हैं ना भगवान मतलब मर्सी करो मर्सी ठीक है भगवान आप पे मर्सी करे तो बिल्कुल यहां पर आपको जो जब मर्सी हमारा पॉजिटिव वर्ड है और मैंने लेस लगा दी तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपको ये पता चल गया कि मर्सी का मतलब पॉजिटिव सेंस होता है लेस लगा के मैं नेगेटिव वर्ड बना दूंगा तो अगर आप इस अप्रोच से करोगे और सपोज आपका अगर पेपर में टाइम है तो आप जब तक ऐसे एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता है नहीं है कि चैरिस्टमैटिक का जब तक आप अपनी कॉपी में चैरिस्टमैटिक के नोट्स बना के उनको डेली रिवाइज नहीं करोगे सपोज आपने मर्सी लैस लगा दिया आपका सही हो गया लेकिन जब आप इसका एनालिसिस करो एनालिसिस करते वक्त आपको लॉन्ली का तो पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको फ्रस्ट्रेटेड का पता है आपको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन जब तक आप कॉपी में चैरिस्मैटिक का मतलब अगर आपको नहीं पता आप गूगल से देख के या अगर किसी भी एप्लीकेशन से जिससे आप मॉक लगा रहे हो उसको देख के जब तक आप चेरिसमेटिक का मतलब नहीं लिखो लिखोगे कॉपी में और उनको डे बाय डे रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका इंप्रूवमेंट होने के चांसेस मतलब ये चीजें करके देखो आपका फिर इंप्रूवमेंट देखना ठीक है और जिनका पेपर अभी कुछ दिन बाद ही है वो इस तरह से अपना थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाना उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम्स अब देखो मुझे इस ईडियम्स का मतलब बताना है इंस एंड आउट देखो वैसे तो ये इंस एंड आउट बहुत ईजी है लेकिन सपोज मैं मानता हूँ कि आपको नहीं पता द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इंस एंड आउट ऑफ द मर्डर केस कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो मर्डर केस के बारे में क्या मर्डर केस के बारे में जानता है अब देखते हैं क्या लॉज कानून जानता है अब देखो इंस एंड आउट का मर्डर केस के बारे में कानून जानता है नहीं सेंस बन रहा है ठीक है उसके बाद ऑल द बिटनेसिस ऑल द बिटनेसिस को जानता है या लॉयर्स एंड जजेस को जानता है या फुल डिटेल्स को जानता है अब देखो ये हम कॉमन बिहेवियर है हम बोलते हैं कि इस चीज़ के इंस भी पता है नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी पता है आउट भी पता है पॉजिटिव सेंस भी पता है हमें इंस एंड आउट मतलब इसके अंदर की चीज़ें भी पता है बाहर की चीज़ें भी पता है मतलब हमें ये चीज़ें फुल डिटेल में पता है तो ई जरूरी नहीं है कि आपने पढ़ाए तभी आप कर पाओगे ई बहुत सारी जगह हेल्प्स ऑप्शन की हेल्प से भी हो जाता है पूरे ऑप्शन देखो ऐसा नहीं है कि कोई ईडियम्स नहीं पढ़ा उसके छोड़ के चले जाओ बहुत कम ईडियम्स होते हैं जो हम ऑप्शन की हेल्प से नहीं कर सकते अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो हम कर सकते हैं और देखो सपोज ये आपने मॉक लगा दो और आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तब तक जब तक आप इस इंस एंड आउट को अपनी कॉपी में नहीं लिख लोगे और इन्स एंड आउट का मतलब फुल डिटेल्स होता है और इब, इंटरवल ऑफ टाइम पर दस दिन बाद पाँच दिन बाद उनको जब तक रिवीजन नहीं करते रहोगे तब तक दिक्कतें आती रहेंगी एनालिसिस करना मॉक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन देखेंगे हम द फॉलोइंग सेंटेंस हैज वीन स्प्लिट इंटू फोर सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेन एरर हमारा ये जो पार्ट है ये चार भागों में बटा हुआ है हमें बताना है किस पार्ट में एरर है बहुत अच्छा टेंस है अगर आप पहले खुद करके देखो नहीं आता तो मैं बताऊंगा कि पेपर में क्या अप्रोच होनी चाहिए मॉक लगाते वक्त क्या अप्रोच होनी चाहिए और एनालिसिस करते वक्त हमें क्या चीजें लिखनी है वीडियो को पॉज करो और इसे देखो लगाओ खुद से फिर मैं बताता हूँ देखो आपने ट्राई किया होगा अगर आपने ये टेंस नहीं लगाया तो मेरी एक रिकमेंडेशन है आपको कि जाके यूट्यूब पर किसी की क्लास देख लो जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक या आधा घंटा में करा रखा हो मतलब एक डेढ़ घंटा में जिसने इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा रखा हो अब आप, आप बोलोगे कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर में नहीं आता डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आते हैं बट उनसे एरर बनते हैं जैसे ये एरर बना है देखो ही टोल्ड मी हमें पता है ये मेरी क्या है मेरा ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे पता है कि पास्ट फॉर्म यूज होती है पा बर्ब की जो फॉर्म होती है पास्ट होते है इंस्टेंट वो कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं है इंस्टेड कोई वो जनरल ट्रूथ नहीं है अगर मैं उसको छोड़ दिया जाए तो मेरी पास्ट होगी तो सबसे पहले तो टोल्ड के साथ मेरी गोज आएगी नहीं मैं यहीं पर बैंट लगा के आगे बढ़ जाऊँगा ठीक है लेकिन अब यहाँ पर मेरा सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट में पास्ट फॉर्म यूज होगी लेकिन अब यहाँ पर सपोज आपको ये भी नहीं पता मैं कह रहा हूँ आपको ये भी नहीं पता इतना छोड़ो अब हम इसे कैसे करेंगे देखो आपको ये तो पता है अगर आपने टेंस पढ़ा है कि जो गोज होता है वो सिंपल पास्ट में यूज होता है सॉरी सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है सिंपल प्रेजेंट जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं और सिंपल प्रेजेंट कहाँ यूज होता है किन सेंस में यूज होता है वो होता है आपका सिंपल प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन दिखाने में जो काम डेली हो रहे हैं उन्हें दिखाने में जनरल त्रुथ को दिखाने में इन सब चीज़ों में आपका क्या यूज होता है आपका सिंपल प्रेजेंट यूज होता है अब वो कह रहा है उसने मुझे बताया था कि वो मार्केट गया था क्या करने लैपटॉप खरीदने अब ये बताओ एक जनरल बात की जाए अगर वो मार्केट जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि डेली मार्केट जा रहा है उसका हैबिचुअल है डेली मार्केट जाके लैपटॉप खरीदना भाई लैपटॉप मार्केट जाके लैपटॉप खरीदना एक बार हुआ होगा और जब कोई काम एक बार पास्ट में हो चुका है तो वो हमारा किस में बनता है पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल पास्ट में बनता है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि हमारा किस में बनेगा ये सिंपल पास्ट में बनेगा तो यहाँ पर मेरा बैंट आएगा एक एक्शन को दिखा रहा है जो पास्ट की किसी एक हैबिट को दिखा रहा है सिर्फ एक बार हमने वो काम किया उसको दिखा रहा है तो मेरा क्या आएगा यहाँ पर बैंड आएगा इस तरह से भी जा सकता हूँ अच्छा मैं इस तरह से ना जाके मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ कि ही टोल्ड मी क्या इसमें एरर है तो आप बोलोगे जैसे हम कहते हैं ही सैड टू मी और जब हम इसे इन्वर्टेड कॉमा में बनाते हो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है ही टोल्ड मी तो आप बोलोगे भैया इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है चलो इस पार्ट को दो मिनट छोड़ देते हैं आपको नहीं पता टू द मार्केट टू किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं उसके लिए कनेक्टिविटी दिखाता है तो टू द मार्केट हमारा सही है टू वाई अ लैपटॉप टू टू के बाद हमारी बेस फॉर्म ऑफ बर्ब आ रही है और लैपटॉप से पहले आ आ रहा है क्योंकि हमें डेफिनेट करना है एक आर्टिकल की जरूरत होगी लैपटॉप से पहले आ लगाना पड़ेगा एक लैपटॉप लेने जा रहा है ठीक है तो इस पार्ट में मेरा एरर नहीं है तो मैं फिर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके कि देखूंगा कि यार ये जो बर्ब आ रही है और हमेशा आपसे बोलता हूँ सब्जेक्ट बर्ब एग्रीमेंट का एरर सबसे पहले देखना है ये बात आपको सबसे पहले बोलता हूँ तो ऐसे ही आपको मॉक लगाते वक्त देखना है और सपोज आप मॉक लगा रहे हो ठीक है मॉक लगा रहे हो आप लेकिन आपने यहाँ पर ये पार्ट में एरर तो सही कर दिया लेकिन आपको नहीं पता कि आपने ये क्यों सही किया आपका तुक्का मारा आपने पढ़ के देखा आपको लगा यार ये पढ़ा पढ़ा सा नहीं लग रहा ये थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है कभी कभी मोस्ट ऑफ द ग्रामर रूल हम ऐसे लगाते हैं यार ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसलिए ये होगा लेकिन भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा ये पेपर में ले डूबेगा हो सक देखो ऐसे कई कई बार सही हो जाते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो हम ऐसे ही करते हैं ठीक है मतलब जब हमने चारों तरफ से दिमाग लगा लिया फिर देखते हैं हम ये पढ़ने में यार ऐसा लग रहा है यहाँ अजीब सा हो सकता है कि यहाँ एरर हो चलो वो बात एक अलग है लेकिन आप हाँ पहले से ही हथियार डाल दोगे कि यार ये पढ़ने में अजीब सा लग रहा है यहाँ एरर है तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होने का एक ही रीजन है मतलब एक ही रामबाड़ है क्वेश्चन के पीछे क्यों पे चले जाओ क्यों जब आप क्यों का जवाब ढूंढने चले जाओगे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है इस पार्ट में एरर क्यों है ऐसा क्यों हो रहा है जब इस क्यों का एरर यूं क्यों का आंसर ढूंढने चले जाओगे तो आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा तो हमारा किस वाले पार्ट में एरर है इस वाले पार्ट में हमारा एरर है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सब्सिट्यूट द अंडरलाइंड बर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस बेसिकली ये जो अंडरलाइंड बर्ड है इसका मुझे इंप्रूवमेंट बताना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या आएगा द एनर्जेटिक किटन्स इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट तो देखो एक चीज है जो हिज और हर आता है देखो ये पसेसिव जो आपका पसेसन दिखाने के लिए आता है जो हिज आता है वो मेल के लिए आता है ह्यूमन मतलब मेल के लिए आता है और ये फीमेल के लिए आता है लेकिन ये ह्यूमन के लिए आता है एनिमल्स के लिए नहीं आता ठीक है तो आपका जो यहाँ पर किटन होता है किटन का मतलब होता है एक तरह से आपका यंग ऑफ कैट बोल सकते हो यंग ऑफ कैट किटन किसे बोल सकते हो आप यंग ऑफ कैट को बोल सकते हो ठीक है यंग ऑफ कैट को बोल सकते हो उसके बाद आ, हाँ हम क्या देख रहे थे हिज ठीक है हिज आप देखो एनिमल या कोई आपकी एनिमल देख लें या कोई हम जो जीवित चीज़ें नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए पसेसन दिखाने के लिए इट्स का यूज करते हैं उसकी पसेसन दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं इट्स का यूज करते हैं तो यहाँ पर हिज ना के अगर कोई एनिमल की हमें पसेसन दिखानी है तो किसका यूज करेंगे इट्स का तो ये चीज़ तो बेसिक सी है ठीक है यहाँ ये एरर तो बहुत आसान है इसे फाइंड आउट करना और दूसरी बात देखो यहाँ पर हमें एक चूज करना है अगर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं पता अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता कभी कभी हो जाता है कि हमें नहीं पता यार क्या आएगा इसमें तो सपोज मैं वही कंडीशन लेता हूँ कि आपको नहीं पता अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करना है अब देखो मैंने आपको थर्टी फाइव ग्रामर रूल जो कराए उसमें इट्स वर्सेस इट में डिफरेंस बताया है ना इट्स वर्सेस इट्स में इसका मतलब होता है इट इज और हमें पसेसन चाहिए पसेसन इट्स दिखाएगा और यहाँ पर मुझे पसेसन ही चाहिए इट्स ब्रेकफास्ट मतलब उसका ब्रेकफास्ट अब देखो ये पसेसन दिखाता नहीं है ये पसेसन दिखाता नहीं है हिज यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि मुझे इंप्रूवमेंट करना ये कंपलसरी है देखो ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि नो no इंप्रूवमेंट दे रखा होता नो no इंप्रूवमेंट जैसे सपोज यहाँ ये ना देखें ये दे रखा होता नो no इंप्रूवमेंट तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर फंसता मुझे अगर मैं जी नहीं पता कि एनिमल के साथ प्रोसेसन दिखाने के लिए है जाता है तो मैं हो सकता है कि यहाँ पर मतलब हिज नहीं आता तो मैं हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट मैं नो इंप्रूवमेंट लेके आगे चला जाता लेकिन यहाँ पे ऑप्शन उसने इजी इतने दे दिए कि अगर मुझे नहीं पता इट्स तो मुझे पता है पसेसन यहाँ पर सिर्फ एक ही बर्ड दिखाता है वो है अच्छा मैंने ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये टेक्स्ट बुक से लिए हैं ठीक है एम टी के पी वाई क्यू के क्वेश्चन है किसी शुरुआत की एक शिफ्ट के वहाँ से स्क्रीन शॉट लेके यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ आप खुद से ये सारे इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट जो 2023 में 2022 में लगा सकते हो एम का जो फुल पी वाई क्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर है या मॉक टेस्ट लगा सकते हो या अगर आप आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप टेस्ट बुक से लगा सकते हो अगर आपके पास टेस्ट बुक का पास है तो आपको डेली दो इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट लगाने ही लगाने और जैसे मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं वैसे आप को अपने एग्जाम तक एनालिसिस करना ही करना है डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा और अगर अभी आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो अभी एंड ऑफ द सीज़न सेल चल रही है मेगा डिस्काउंट है अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको अभी एंड ऑफ द सीज़न सेल चल रही है ट्वेंटी से लेकर थर्टी सेप्टेम्बर तक रहेगी और यहाँ पर आप जो पास सिक्स का था उसे अबेल कर सकते हो सिर्फ थ्री में और इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा ट्वेल्व परसेंट का अगर आप कोड यूज़ करोगे डी के ट्वेल्व और लगभग ये आपको थ्री सिक्सटी के अराउंड पड़ेगा तो आप चेक कर लेना इसमें कोड यूज करके अगर डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाओगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा तो डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जाके आप परचेज कर लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेक्शनल टेस्ट और पी वाई को लगाना अगर हमें तैयारी अपनी अच्छी करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा जस्ट बेटा सेकेंड इसे मैं रफ कर देता हूँ ठीक है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इन टू फोर सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर ठीक है हमें बताना है कि इसमें किस में कर, इस क्वेश्चन में आ, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है तो यहाँ पर देखो इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सपोज मुझे नहीं पता कि किस पार्ट में एरर है अब मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ कि पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है अब मैं देखता हूं कि ऑफ द गवर्नमेंट सही है या गलत है अब गवर्नमेंट से पहले दा आएगा या यहां यहां पर या नहीं आएगा वो देखना है अब सपोज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दा आएगा नहीं आएगा दो मिनट इसे मैं होल्ड पर रख देता हूं मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं इट इज कॉमनली बिलीव्ड इट इज कॉमनली बिलीव्ड अब देखो इट इज आ रहा है और बिलीवड आ रहा है तो आप बोलोगे भैया इट इज कॉमनली बिलीविंग तो देखो इट इज कॉमनली बिलीव्ड ऐसा लोगों के द्वारा बिलीव किया जाता है ऐसा माना जाता है तो ये पैसिव बॉयस में और देखो जब मैं आपको 35 रूल करा रहा था या जब मैंने आपको इंग्लिश पी वाई क्यू सीरीज कराई थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो चीज़ एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक एक्टिव एंड पैसि बॉइस दो चीज़ एक ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट एम के पेपर में नहीं पूछे जाते बट यहाँ से एरर बनते हैं ठीक है जैसे मुझे इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड मुझे यहाँ बिलीव्ड क्यों आया जब तक मैं ये नहीं समझ में आऊँगा समझ में आएगा आपको आप देखो क्वेश्चन में जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं हम क्या गलती करते हैं हम सिर्फ एरर पर ध्यान देते हैं हमें पूरे टेंस पर ध्यान देना चाहिए कि इस पार्ट में एरर नहीं है तो क्यों नहीं है अगर जब आप इस तरह से एनालिसिस करने लग जाओगे आपके मार्क्स देखना दस दिन के अंदर ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे अब देखो मैं मुझे ये देखना है कि मेरा इस वाले पार्ट में एरर क्यों नहीं है देखो इट के बाद इज जा रहा है ठीक है कॉमनली बिलीव्ड अब यहाँ बिलीव्ड क्यों आ रहा है क्योंकि ये पैसे बॉयस में और पैसे बॉयस में बर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये मेरा इस वाले पार्ट में एरर नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा मुझे तो वो पार्ट बताना जिसमें एरर है डेट डेमोक्रेसी इज इट इज कॉमनली बिलीव डेट ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है डैट डेमोक्रेसी इज अब ये तो डेमो डेमोक्रेसी इज अब यहाँ पर आपको इज लग रहा है कोई गलती लग रही है इज में आप बोलोगे भैया अभी तक तो नहीं लग रही डेमोक्रेसी सिंगुलर और सिंगुलर बर्ब है तो इसमें भी कोई एरर नहीं है जब इसमें कोई एरर नहीं है ठीक है तो इसमें होगा बेस्ट से पहले हो सकता है दान आए अब आप बोलोगे कि भैया आपने पढ़ाया है या हम जिन सर से पढ़े उन्होंने एक बात पढ़ाई है कि सुपर डिग्री से पहले सुपर डिग्री से पहले मेरा हमेशा दा आता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा मेरा दा आता है और आएगा ही आएगा तो यहाँ पर मेरा ये सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले दा आएगा तो मेरे इस वाले पार्ट में भी नहीं है अब मुझे नहीं पता अगर मैं कन्फ्यूज हूं कि गवर्नमेंट से पहले दा आएगा नहीं आएगा लेकिन मुझे इन तीन पार्ट के बारे में तो पता चल गया ऐसे ही आपको खुद जब अपने सेक्शनल टेस्ट करने हैं उसमें एनालिसिस करना है मुझे इसके बारे में तो पता चल गया कि यहाँ दा नहीं आएगा और जब यहाँ दा नहीं आएगा तो मेरी इन तीन पार्ट का मुझे जब पता चल गया तो मेरा एरर कहाँ है इसमें क्योंकि देखो एक ये फैक्चुअल बात कर रहे हैं अगर हम दा क्यों नहीं आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं और जो जनरल चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है किसी भी सरकार की तो जब हम एक जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं तो दा नहीं आएगा ठीक है जब हम दा नहीं लगाएंगे जैसे कि हमारा एक होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो हम दा नहीं लगाते ना दा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी तो यहां पर इस वजह से है लेकिन अगर मैं इतना दिमाग नहीं लगा पा रहा हूं पेपर में तो मुझे इतना तो समझ में आना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें देखो इट इज कॉमनली बिलीव सही है मेरा डेमोक्रेसी इज सही है इज देखो यहां बर्ब देखो सही है या नहीं डेमोक्रेसी के बाद अगर यहां पर आर दे देता और यहां दा नहीं देता तो डेमोक्रेसी के बाद आर दे रहा है तो गलत है तो इस चीजों को भी देखा करो ठीक है और ऐसे ही मॉक टेस्ट करते वक्त और ऐसे ही एनालिसिस क्या करो अपना पेपर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर मुझे आ, क्या बताना है एक बार हम पढ़ लेते हैं अंडरलाइंड एंड ऑप्शन सिलेक्ट ऑप्शन डेट कंटेंस स्पेलिंग एरर मुझे बताना कि स्पेलिंग एरर मैं अभी इस पूरे टेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ स्पेलिंग देखो रिएक्टिव अब देखो रिएक्टिव एक इतना आसान है कि इसमें मुझे कोई ट्रिक बताने की भी जरूरत नहीं है अब देखो रिएक्टिव की सब जानते हो हर बच्चा कर देगा कि हाँ भैया रिएक्टिव की स्पेलिंग ये होती है ठीक है तो ये तो मुझे दिख गया मुझे ये पूरा हमेशा ऐसे पूछा है तो बाद में पढ़ा करो जब आपको समझ में नहीं आ रही कि कौन सी स्पेलिंग गलत है पहले यहाँ ऑप्शन में दिखा करो कि कौन सी इसमें पूरा टाइम जाएगा आपका पढ़ने का और इसका कोई मतलब नहीं बनता बाद में देखो जब जब आपको समझ में नहीं आ रही यार किस स्पेलिंग में एरर है तब जाके वो दिखा करो अब जैसे रेडिएशन सही है कंसनट्रेशन सही है मेरा वेजिटेशन सही है ठीक है तो इसमें मेरा कोई एरर नहीं है तो रिएक्टिव रे, में एरर है और रिएक्टिव बहुत आसान है ठीक है रिएक्टिव की स्पेलिंग अब ये बिल्कुल ही अजीब सी लग रही है देखने में और अगर देखो आपको लगे यार ये अजीब सी लग रही है तो फिर ये तीन पढ़ के देख लो कि इसमें तो कोई एरर नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा ही सेड डेट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क ही said डेट उसने कहा कि मैंने अपना काम कर कर चुका हूँ तो देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएगा आपके पर तो आप नहीं कर पाओगे अब देखो यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो और सपोज आपसे ये गलत हो गया और आपने एनालिसिस किया आप उसमें आपने आंसर कौन सा देखा इसमें सही कौन सा होगा hmm, आंसर सही होगा ये ठीक है आप इतना देख के आपने देखा और आप चले गए आगे बढ़ गए एनालिसिस आपका आपने पाँच मिनट में एनालिसिस करा और हो गया कि मैंने तो सेक्शनल टेस्ट लगा लिया भाई सेक्शनल टेस्ट चाहे दिन में एक ही लगाओ लेकिन उसका एनालिसिस करो अगर ही हैड फिनिश्ड आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये समझ में आना चाहिए देखो उसने कहा था उसने कहा था तो उसकी ही बात करेंगे ना डायरेक्ट ये मैं जब इनडायरेक्ट बना रहा हूँ ना उसने कहा था क्या कहा था मैंने तो नहीं कहा उसने उसने कहा है तो उसकी बात बता रहा हूँ ना तो आई नहीं आता ही आता है ठीक है और जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं ये कोई जनरल ट्रूथ की बात तो कर नहीं रहे जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैब ना आके हैड आएगा पास्ट फॉर्म आएगी ही हैड फिनिश्ड और जब ही के साथ प्रोसेसन क्या आता है हिज आएगा ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क तो हमारा यहां पर ये सही हो जाएगा तो ये जब तक आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा नहीं पता होगा आपको आइडिया नहीं होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप नहीं कर पाओगे अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो थोड़ा सा पढ़ लो अगर आप इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगा दें तो एनालिसिस करते वक्त ये जरूर दिखा करो ये पेपर में एरर कहाँ से किस चीज का है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अब पियानो टीचर क्या बताना है मुझे मिस स्पेल्ड वर्ड बताना तो इसे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है यहां पर देखो इंटरेस्टिंग इंक्वायर पियानो एनकाउंटर तो देखो इंटरेस्टिंग अब देखो यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी जो स्पेलिंग है इनकाउंटर की गलत है लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा कि बाद में ई ER आर आएगा या टी ए आर आएगा ये समझ में नहीं आएगा तो भाई आप इसको छोड़ो पियानो की स्पेलिंग ये तो बहुत आसान स्पेलिंग है अगर अगर देखो ऐसे करके होती तो अजीब लगती है देखने में पियानो तो बहुत तो फेमस वर्ड है इंक्वायर भी बहुत फेमस वर्ड है इंटरेस्टिंग भी बहुत फेमस वर्ड है तो एक तो देखो ये चारों ही वर्ड ऑप्शन में मतलब ऐसे दे दिए कि बच्चा कर लेगा इसे लेकिन देखो आपको आप अगर स्पेलिंग एरर देख रखिए तो दो तरह से देख सकते हो कि किसकी स्पेलिंग एरर है वो देख सकते हो या इस तरह से भी जा सकते हो कि ये तो स्योर हूँ ये ये तो स्पेलिंग गलत नहीं है तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते हो अब देखो इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट interest बहुत कॉमन वर्ड है इंक्वायर बहुत कॉमन वर्ड है प्यानो बहुत कॉमन वर्ड है और एक और चीज़ देखो नाइन्टी परसेंट में ये फॉलो होता है हंड्रेड परसेंट में नहीं होता कि अगर बाद में टर आ रहा है या कुछ ऐसा ऐसा वर्ड आ रहा है जैसे डर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर ज्यादातर ई आर आता है बाद में ठीक है जैसे कि एनकाउंटर कंसीडर ठीक है नाइन्टी परसेंट केसेस में नाइन्टी परसेंट केसेस की बात कर रहा हूं मैं है ना तो नाइन्टी परसेंट केसेस में ज्यादातर ई आर आता है टेन मतलब टेन परसेंट में ऐसा हो भी सकता है कि आपका ए आर सही हो जैसे कि आ, न, ए आर जैसे कैलेंडर होता है एक कैलेंडर उसमें वो ई आर लगा के देता है और कैलेंडर की स्पेलिंग होती है ये वाली ठीक है ये एक्सेप्शन है कुछ एक्सेप्शन है वो ऐसे दे देगा ई आर लगा के दे देगा बट ऐसे क्योंकि बच्चों को पता है ई आता है लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप ले सकते हो ठीक है टेन नाइन्टी परसेंट जो पॉसिबिलिटी है सही होने की और टेन परसेंट पॉसिबिलिटी है गलत होने की और अगर आपको रिस्क लेना है आपके इंग्लिश में ज्यादा एटेप नहीं हुए तो आप इस तरह से भी रिस्क ले सकते हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है मेरा द एग्जीक्यूटिव बर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस देखो द मुझे रनिंग इन अराउंड इन सर्किल इसका मतलब कुछ भी नहीं पता मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सही है क्या गलत है वो सॉरी इस ईडियम्स का क्या मतलब है अब मैं बस इतना देखता हूँ द एग्जीक्यूटिव बर् विदाउट एनी सक्सेस मतलब इसका मतलब कुछ नेगेटिव होगा कि उन्हें सक्सेस नहीं मिली है उससे रिलेटेड होगा अगर देखो ईडियम्स सबसे पहले तो ऑप्शन की हेल्प से आ जाता है अगर ईडियम्स को वो टेंस में दे रहा है तो ये मानो कि अगर आपको उस ईडियम्स का मतलब भी नहीं पता तो उस पूरे टेंस को पढ़ो द एग्जीक्यूटिव बर्ड रनिंग अराउंड इन सर्कल विदाउट एनी सक्सेस अब मैं इसे मैंने ये पूरा पढ़ा रनिंग अराउंड द सर्किल अब देखो मैं देखता हूँ अचीविंग मैक्सिमम माइलेज अब देखो ये तो पॉजिटिव बर्ड है यहाँ तो बात आ रही है विदाउट एनी सक्सेस की कि कोई सफलता नहीं मिली तो पॉजिटिव बर्ड तो होगा नहीं सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट एंड लॉस अब विदाउट एनी सक्सेस में कुछ मतलब ऐसा लॉस ही लॉस पता चल रहा है मुझे प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है मतलब विदाउट एनी सक्सेस मतलब बिल्कुल सक्सेस नहीं मिली ठीक है तो ह्यूज प्रॉफिट और ह्यूज लॉस की बात नहीं हो रही सिर्फ लॉस की बात हो रही है तो कोई वर्ड ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा सक्सेसफुली अकम्प्लिस द टारगेट सक्सेसफुली अकम्पलिस कर रहा है टारगेट नहीं यहाँ तो विदाउट एनी सक्सेस की बात कर रहा है उसके बाद पुटिंग एफर्ट इं टू समिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थ वाइल रिजल्ट मतलब किसी में एफर्ट डालना जो कि आपको जो वर्थ वाइल है उसका रिजल्ट ना मिले उसका परिणाम वैसा ना मिले तो यहाँ पर विदाउट एनी सक्सेस का एक ही सेंस निकल रहा है तो यहां पर अगर आपने ये रन जन, रनिंग अराउंड इन सर्किल बेसिकली देखो रनिंग अराउंड सर्किल का मतलब ऐसा एक सर्किल है जस्ट बेटा सेकेंड ठीक है ऐसा मेरा एक सर्किल है और मैं इसके र, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और मैं ऐसे रनिंग कर रहा हूँ मतलब वापस यहाँ आ गया फिर यहाँ से शुरू किया फिर वापस यहाँ आ गया मतलब मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वापस से वहीं आ रहा हूँ जहाँ से शुरू कर रहा हूँ वहाँ से वापस आ रहा हूँ तो बेसिकली मैं फेलिय फेल हो रहा हूँ जैसे फिफ्थ क्लास में पढ़ा मैं और फिफ्थ क्लास में फेल हो गया तो वापस से फिफ्थ में आ गया तो इस तरह से ये तो हो गया आपको मैं बता रहा हूँ आज के बाद इसे नहीं भूलोगे लेकिन मैं उसके बता रहा हूँ जब आपको इडियम्स नहीं पता तो आप इस तरह से जाओगे पेपर में जिनका पेपर पास में वो सुन लो और जो मॉक लगा रहे वो इस तरह से एनालिसिस किया करो इस तरह से अपने मॉक

कोई भी ग्रामर रूल है कोई भी ग्रामर सॉरी क्वेश्चन है कोई भी आपसे इम्प्रूवमेंट पूछा है एरर पूछा है कुछ भी पूछा है सबसे पहले सब्जेक्ट बर्ब एग्रीमेंट देखा करो सबसे पहले सब्जेक्ट बर्ब एग्रीमेंट देखा करो मैनी ग्रेट पीपल मैनी ग्रेट पीपल मैनी ग्रेट पीपल मतलब बहुत सारे लोग अब बहुत सारे लोग हैं तो वॉर्न क्यों होगा ये एक बात बताओ मैनी ग्रेट पीपल और ये बताओ बॉर्न डायरेक्ट कैसे आ सकता है मैनी ग्रेट पीपल खुद तो जन्मे नहीं होंगे उनको द्वारा उनका जन्म उनके पेरेंट्स के द्वारा किया होगा और जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो वो पैसे बॉयस में बनता है और पैसे बॉयस में अब हम किस में कन्फ्यूज होंगे अब देखो मैनी मैनी ग्रेट पीपल सबसे पहले तो देखो एज एज और अगर एज हमें से प्रेजेंट बनाए पास्ट में बनाए देखो दो तरह से देख सकते हो कि उस गांव में बहुत सारे जो ग्रेट पीपल हैं उनका जन्म हुआ है तो हो चुका है प्रेजेंट की बात नहीं है हो चुका है तो एज तो वैसे भी नहीं आएगी एक एज या आर दे रखा है तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा पास्ट में बनेगा अब बचा बाज और वर तो हमारा बाज और वर में मैनी बहुत सारे लोगों की बात कर रही तो वर आएगा और इतना समझ में आया कोई कोई दिक्कत कोई समस्या ठीक है आपको अब ये चीजें अपने दिमाग में डालनी है कि अगर आप एरर लगा रहे हो अगर आप पेपर है आपका एक दिन बाद तो आपको इस सब दिमाग में रखनी है कि सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट बर्ब एग्रीमेंट का एरर देखना है द गिविन सेंटेंस कंटेंस एंड एरर सिलेक्ट दैट सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर ही ठीक है हमें करेक्टली रेक्टिफाई करना है एरर हमें एक एरर बताना है जिस सेंटेंस में एरर है ठीक है अब देखते हैं ही बाज केयर फुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स तो देखो एक सिंपल सी बात है जब मैं आपको थर्टी फाइव ग्रामर रूल बता रहा था तो मैंने बताया था कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम ई एस टी लगा के सुपरलेटिव बना देते हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ई एस टी नहीं लगता अभी तो आपने कहीं पर देखा है वर्ड देखा है आपने तो ये तो बहुत आसान हो गया आप बोलोगे भैया केयरफुलेस्ट नहीं देखा मैंने ये होगा मोस्ट केयरफुल वाइल स्टील इन द क्राउन ज्वेल्स तो मोस्ट केयरफुल होगा केयरफुलेस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता देखो सप्पलेटिव डिग्री बनाने के लिए दो चीज़ कर सकते हैं बाद में ई एस टी एस टी इस तरह से लगाते हैं हम ठीक है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जिसमें हम नहीं लगा सकते ठीक है तो उसके लिए हम बाद में मोस्ट लगाते हैं तो ये तो आसान था जिन्होंने थर्टी फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर रूल की क्वेश्चन देखें अगर वो लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं इन आसान आसान क्वेश्चन को तो भाई पिटाई होगी आपकी और कुछ नहीं कर सकता मैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिबिन बर्ड अब मुझे इसका सिनोनियम बताना है कि सिनोनियम इस मेरे जो गिबिन बर्ड है इसका सिनोनियम क्या होता है सोचो वीडियो को पॉज करो फिर मैं बताता हूँ आपको तो देखो हेजिटेट का मतलब होता है एक तरह से मतलब हेजिटेट करना शरमाना डगमगाना ये सब चीजें होती हैं हेजिटेट करना कि मतलब किसी के सामने थोड़ा कम बोलना एक तरह से डगमगाते हैं हम वो सारी चीज़ें मतलब हेजिटेट अब हेजिटेट ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं आपको बताने लगूँ अब हम, हम जनरल लाइफ में भी होता है कि मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है शर्म आ रही है ये सब चीज़ के लिए हम हेजिटेशन इसका सिनोनियम हो सकता है साई भी हो सकता है ठीक है बहुत सारे सिनोनियम हो सकते हैं हेजिटेट के अब देखते हैं इसमें कौन सा होगा तो देखो कुछ बुक ऐप तो ऐसी आती है जो थोड़ा सा आप एलिमिनेसन मैथड यूज करके कर सकते हो अब देखो इसमें या तो दो तरह से होता है इसमें एलिमिनेशन इस वाली बुकैब में ये वाला क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते हो आपको पता होगा तभी कर सकते हो अब इसमें भी दो तरह से कर सकते हो एक तो इसका रियल आंसर पता होगा उस तरह से कर सकते हो या बची हुई तीन बुकेब का आंसर पता होगा उस तरह से कर सकते हो जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर ब्लेबर अब मुझे बताओ ब्लेबर का मतलब क्या होता है तो देखो ब्लेबर का मतलब होता है बड़ बढ़ाना बकबास करना फालतू बोलना ये सारी होती है ब्लेबर का मतलब और हेजिटेट का मतलब साय ठीक है उसके बाद है रिकॉयल रिकॉयल का मतलब होता है जैसे कि इस तरह से समझो कि कोई कॉयल है उसको आपने खींचा और वापस से वो उसी शेप में आ गया रिकॉयल का मतलब एक तरह से पीछे हटना ठीक है मैं बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के पीछे हटना होता है कौनसिल कौनसिल का मतलब होता है एक तरह से छिपाना कौनसील करना हाइड करना छिपाना कौनसिल का मतलब होता है छिपाना फॉल्टर फॉल्टर का मतलब होता है हेजिटेट करना हेजिटेट करना तो अगर आपको पता है कि आ, इसका मतलब बकवास करना होता है इसका मतलब पीछे हटना होता है रिकॉन्साइल का मतलब दिखाना होता है तो आपको पता है छिपाना होता है सॉरी तो इसका मतलब जब आपको पता है कि ये तीन वर्ड तो नहीं होंगे तो एक हमारा ये फॉल्टर बचा ये होगा ठीक है इस तरह से कर सकते हो या डायरेक्ट आपको फॉल्टर होना चाहिए देखो अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन बुकैब में एलिमिनेशन मेथड से हो जाए अगर हर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाता तो फिर बुकेब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है तो भाई बुकैब तो याद करनी चाहिए और मैं आपको ये इंस्योरिटी दे रहा हूं जो मैंने बुकैब की पीडीएफ दी है आपको टेलीग्राम ग्रुप में अगर वो आपने पूरी बुकैप कर ली जो एम 2024 के लिए मैंने आपको बुकैब की पीडीएफ दी है उससे ज्यादा से ज्यादा एक बुकैब बाहर जाने के चांसेस है वरना एक भी नहीं जाएंगे अभी सीजीएल में जितनी बुकैब पूछी गई है ऑलमोस्ट उसी पी से पूछी गई है तो बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट स्पेलिंग विदा विदाउट स्पेलिंग एरर हाँ कोई स्पेलिंग एरर नहीं है वो हमें देखना है कि किस में कोई भी स्पेलिंग एर हमारा नहीं है वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाई डंपिंग आर गारबेज इन डैम देखो इसे दो तरह के कर सकते हैं अब एक, एक बात होता है मुझे नहीं पता कि किस में एरर है किसमें नहीं अब मैं शुरू से चेक करता हूँ बी की स्पेलिंग सही है या गलत है सब जानते हैं भैया बी की सही है कैन की सही है आप बोलोगे सही है कॉल्सो की सही है बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट मैं लिखूंगा आप लिख के देख लो कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट ये भी आप बोलोगे सही है टू सही है चलो प्रिजर्वेशन छोड़ते हैं ऑफ सही है मेरा वाटर सही है बॉडीज की स्पेलिंग देखो बहुत फेमस है बाई नॉट डंपिंग डंप से डम्पिंग बनाए अब देखो यहाँ पे मुझे ये नहीं देखना कि यहाँ डंपिंग आएगा नहीं आएगा क्या होगा क्या नहीं आएगा वो नहीं देखना आर सही है मेरा यहाँ पे गारबेज सही है इन सही है डैम सही है तो यहाँ पर मेरा किस में एरर है ये देखना है तो मेरा एरर बचा प्रिजर्वेशन तो कहीं ना कहीं अगर मैंने ये देख लिया कि इनमें किसी में एरर नहीं है तो मुझे ये पता चल गया इनडायरेक्टली कि मेरा प्रिजर्वेशन में गलत है तो प्रिजर्वेशन में मेरा प्रिजर्वेशन में जो स्पेलिंग होती है वो होती है प्रिजर्वेशन की ये वाली प्रिजर्वेशन और ज्यादातर देखो एक और मैं ट्रिक बता रहा हूँ नाइनटी परसेंट केसेस में फॉलो होती है ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट है और देखो थोड़ा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी पास में नमाज हो रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना ठीक है ये आपको आ, 90% परसेंट केसेस में एक बात पता होगी मतलब एक बात बता देता हूं कि अगर बीच में ऐसा सर आ का साउंड आ रहा है सर प्रिजर्वेशन या आ, आ आ आ का साउंड आ रहा है ना आ का साउंड तो वहां पे ई आता है वहां पे ई आता है जैसे ई आर जैसे हमने वहां पे अभी बताया ना जैसे वहां पे ई आर आता है ऐसे यहां भी ई आर आता है ठीक है ये चीज याद रखना बस वो शुरू के दो वर्ड के बाद शुरू हो जाए जैसे गार्वेज है अब गार्बेज में आ का साउंड आ रहा है लेकिन ये जी के जस्ट एक के बाद है प्रिजर्वेशन में ये दो के बाद है दो तीन के बाद जर आ रहा है जर तो नाइन्टी परसेंट केसेस में जर आ का जब साउंड आता है तो ई यूज होता है तो ये थोड़ा सा दिमाग में फंसाने की कोशिश करना और ऐसा नाइन्टी परसेंट केसेस में होता है बट अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो ऑप्शन के साथ अगर आपके कम अटैम्प्ट हुए हैं तो ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉल इट डे देखो एक ईडीएम से कॉल इट डे कॉल इट डे का मतलब होता है कॉल इट डे अब जैसे मुझे नहीं पता मैं ऑप्शन देखता हूँ टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर कि बहुत अच्छा दिन होना तो कॉल इट डे का मतलब होता है कोई चीज मतलब एक तरह से उस दिन को खत्म कर देना उस दिन जितना काम कर रहे हो उस काम करना बंद कर देना कॉल इटा डे ठीक है अब देखो थोड़ा सा आप ऑप्शन की हेल्प से भी जा सकते हो नहीं तो कभी कभी कुछ ईडियम ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जैसे कि कॉलिटर डी अगर बिल्कुल नहीं पता तो शायद हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो अब ये मुझको पता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रेटेस्ट डे तो नहीं होगा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा या ये सब चीजें नहीं होंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे पहले से आइडिया है कि इसका मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज खत्म करना कुछ चीज रोक देना ठीक है तो टू स्टॉप वर्किंग इसका होता है तो थोड़ी अब जब इन्हीं चीज़ों का बोलता हूँ जब हम एनालिसिस करते हैं तो इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब इन सब चीजों का हम एना एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस करते वक्त हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें जो चीज़ नहीं आ रही है वो नोटबुक में नोट डाउन करो और वो हम बार बार टाइम पर रिवीजन करेंगे इसीलिए सेक्शनल टेस्ट का लगाने से ज़्यादा एनालिसिस जरूरी होता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है अब स्टर्न का मुझे यहाँ पर एंटोनियम बताना है कि स्टर्न का एंटोनियम क्या होता है ठीक है स्टेबल होता है सेंसियर होता है प्रोफाउंड होता है लीनियंट होता है ठीक है देखो स्टर्न का मतलब एक तरह से होता है आप बोल सकते हो कठोर व्यक्ति ठीक है स्टर्न का मतलब और क्या हो सकता है स्ट्रिक्ट जो इंसान होता है उसके लिए आप बोल सकते हो स्ट्रिक्ट इस तो इसका मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव वर्ड चाहिए ये नेगेटिव वर्ड है पॉजिटिव वर्ड चाहिए मतलब एक तरह से कठोर व्यक्ति स्ट्रिक्ट पर्सन के लिए हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट कोई चीज़ होती है उसके लिए हम बात करते हैं तो देखो स्टर्न अब स्टेबल कि भाई तुम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ ये तो बहुत मोस्ट फेमस है, है तो आपको पता ये तो नहीं होगा इसका पॉजिटिव बर्ड सिंसियर सिंसियर का मतलब होता है जो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है सिंसियर का मतलब अगर आप देखना चाहो तो ईमानदार जो होता है कि अपनी काम को ले टाइम पर काम करना है जो अपना काम को लेकर ऑन एन टाइम रहता है सिंसियर रहता है ईमानदार भी बोल सकते हैं उसके लिए हम सिंसियर तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट देखो कठोर व्यक्ति निर्दयी व्यक्ति होना स्ट्रिक्ट पर्सन होना और तो उसका ईमानदार का अपोजिट नहीं होगा अगर हम देखना चाहें सोनोनियम प्रोफाउंड प्रोफाउंड तो देखो मोस्ट फेमस वर्ड है प्रोफाउंड प्रोफाउंड का मतलब होता है किसी के बारे में आपको डीप नॉलेज होना डीप अंडरस्टैंडिंग होना कोई चीज़ आपके पास प्रोफाउंड वे में हो बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें हो जैसे ज्ञान हो तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो डीप नॉलेज हो उसके बारे में तो उसके लिए प्रोफाउंड यूज करते हैं तो ये ऐसे तीन वर्ड हैं कि जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे मॉक लगाते वक्त पेपर लगाते क्वेश्चन रीजल पेपर में लग बैठते वक्त तो आपको समझ में आएगा अब लीनियंट भी वैसे पढ़ा होता है अगर आपने नहीं पढ़ा तो जब ये तीन नहीं है तो यही होगा लीनियंट का मतलब होता है उदार व्यक्ति जो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जो चीज़ों को टॉलरेंट कर लेगा ठीक है चीज़ों को सह लेता है उसको लिनियंट बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पर लीनियंट हमारा सिनोनियम हो जाएगा और देखो अब बुकैब बिल्कुल एलिमिनेशन बिल्कुल तुक्का नहीं मारा जा सकता बुकैब में मैंने एलिमिनेशन मेथड भी बताए हैं आप देखना चाहो तो देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इन इंग्लिश करके है कि उसमें हमें इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करने हैं उसमें और अच्छे से बताएं बुकैब कैसे एलिमिनेट करती हैं करते हैं उसमें बताएं देख लेना जिन लोगों ने देखिए बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली आई होप कि आपका उस उन सब चीज़ों से स्कोर improve हो रहा होगा ठीक है तो ये सब चीज़ें याद रखनी है रियल पेपर देते वक्त mock लगाते वक्त और जब हम analysis कर रहे हैं तो एनालिसिस ऐसे करना है कि इनका सबका बर्ड अब जैसे अगर आप टेक्सटबुक से दे रहे हो ठीक है या आप किसी और अदर application से दे रहे हो जिससे भी आप दे रहे हो आप यहाँ पर उनकी सबकी एक्सप्लेनसन दी होती है सबका मीनिंग दिया होता है नीचे तो वो लिख लो कॉपी में जब तक ये चारों ऑप्शन की बुक के पीछे नहीं भागोगे क्वेश्चंस के लॉजिक के पीछे नहीं भागोगे ये सही लग रहा है मुझे ये पढ़ने में गलत लग रहा है इसे मैं सही कर देता हूँ जब तक इनके पीछे भागोगे आपका नहीं होगा आपको लॉजिक के पीछे भागना पड़ेगा आपको बुक ऐप की चारों ऑप्शन को अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आपका जाके इंग्लिश में इंप्रूव स्कोर होगा अगर आपका पेपर अक्टूबर के एंड में है नवंबर में है तो अभी भी आपके पास काफ़ी चांस है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैन सब्सिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिंग सेंटेंस हिज ओल्डर ब्रदर वर क्वाइट बिलिंग डेट ही शुड बैंड टू सी देखो मैंने आपको 35 फाइव ग्रामर रूल कराया उसमें सिंपल सी बताइए इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, नहीं। सुड़ है सुड है सुड आ रहा है मॉडल बर्ब तो के बाद मॉडल बर्ब के बाद बेस फॉर्म ऑफ आती है तो गुड गो, गो आएगा तो यहां पर मेरा सही हो जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम देना ही नहीं है दस सेकंड में आगे बढ़ना करके ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो हाँ uh, मुझे बताना है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा तो देखो एक बात बताओ मैंने इन्फिनेटिव बताया कि इन्फिनेटिव अगर टू के बाद क्या आता है बी वन आता है जब हम थर्टी फाइव ग्रामर रूल कराए उसमें कराए अब इसमें कुछ चीज़ें हमें समझने वाली बात ही नहीं है जब मेरा इन्फिनेटिव टू के बाद बी वन आएगा तो यहाँ सर्वाइव्ड है तो सर्वाइव तो नहीं आएगा ठीक है अब देखते हैं क्या हो सकता है हैविंग टू सर्वाइवड प्रोफेशनल हैविंग टू सर्वाइव्ड इसका कोई सेंस बन रहा है बिल्कुल नहीं बन रहा टू बी सर्वाइव्ड टू बी सर्वाइव अब देखो टू आ गया और बी आ गया टू के बाद वी नहीं लगाएंगे हमें बेस फॉर्म इसे जब हम बना सकते हैं तो बेस फॉर्म इसे क्यों ले रहे हैं नहीं लेंगे तो हम एक ही लगा सकते हैं फोर सर्वाइंग कि इट इज़ टू डेट लर्निंग इंग्लिश इज असेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स जो इंग्लिश है जो असेंशियल होती है मतलब इंग्लिश uh, जो लर्निंग इंग्लिश है वो असेंशियल होती है प्रोफेशनल्स के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए सर्वाइव uh, करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करने के लिए ठीक है अब तुम इंटरनेशनल में जा रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ठीक है अगर तुम नेशनल की बात करो अभी अगर तुम्हारा कंपटीशन कहीं साउथ स्टेट्स में है तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती है तो दिक्कत होती है तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी तो यहाँ पर फोर सर्वाइविंग आएगा आप देखो फोर सर्वाइविंग क्यों आएगा फोर आके मेरा प्रोपोजिशन ये अपने बाद जिरंड ले रहा है सर्वाइव बर में अगर मैं आई लगा के नाउन बना रहा हूँ तो वो मेरा जिरंड हो जाता है तो इस तरह से ये सब चीज़ें मैंने थर्टी ग्रामर रूल में कराई हुई हैं जब आप मॉक लगा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको आपको फोर सर्वाइव क्यों आएगा हैविंग टू सर्वाइव क्यों नहीं आएगा टू भी सर्वाइव क्यों नहीं आएगा जो चीज आएगा एक तो उसके पीछे लॉजिक पूछो लॉजिक देखने की कोशिश करो और जो 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 चीज नहीं आ है वो क्यों नहीं आ है उसके पीछे लॉजिक देखने की कोशिश करो इस तरह से एनालिसिस करो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइनटीन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक द टाइगर डेट वाज किल्ड वाई अ वाई द ब्लेजर्स बाज नॉट ओनली अ मैन ईटर अभी ये तो देखो इतना आसान है थर्टी फाइव ग्रामर रूल कराया है ना मैंने थर्टी फाइव ग्रामर रूल जब उसमें कराया तो मैंने बताया कि नॉट ओनली आएगा तो नॉट ओनली कि हमेशा बट ऑल्सो आता है तो बट खाली आएगा नहीं एंड खाली आएगा नहीं बट ऑफन खाली आएगा नहीं तो इस तरह से आपकी मॉक टेस्ट में अप्रोच होनी चाहिए और इस तरह से आपकी जब रियल पेपर देने जाओ उसमें अप्रोच होनी चाहिए इस तरह अप्रोच यूज करके देखो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक है इस्पिल दिन स्पिल द पिन का मतलब जैसे देखो बिन्स है बिन्स हैं है ना स्पिल द बेन अब बिन्स दो पार्ट में आपने उसको स्पिल कर दिया ठीक है एक पार्ट ये हो गया एक पार्ट अलग हो गया अब देखो जब दोनों पार्ट अलग हो गए तो देखो एक्सीलेंट हेल्थ कोई कोई उसका सेंस नहीं बनता बिहेव और स्पीक इन अ रस मैनर नहीं थिंग्स ऑलवेज गेट बस कोई चीज़ बुरी होती जाना नहीं तो रिवील अ सीक्रेट मतलब दो पार्ट आपने अलग कर दिए तो जो बीच का जो अंदर का पार्ट है वो दिख रहा है बेसिकली मतलब जो रिवील कर दिया आपने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनशनली ठीक है अगर आप ये अन इंटेंशनली भी याद नहीं रखोगे तो रिवील अ सीक्रेट कि आपने वो स्पिल कर दिया मतलब दोनों पार्टों को अलग कर दिया बेसिकली कोई चीज़ रिवील कर दी ठीक है तो अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे आपने ये कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप इसे पेपर में कर दोगे और ये सेम अप्रोच पेपर में लगाना ये सेम अप्रोच मॉक में लगाना ये मैंने सेक्शनल टेस्ट इसलिए लगाया यहाँ पे और इसलिए आपको पेपर में कैसे अप्रोच करनी है एनालिसिस कैसे करना है ये सारी चीज़ें आई होप आपको ये डेफिनेटली वीडियो हेल्प करी होगी अगर करी है तो आप नीचे कमेंट में करके बता सकते हो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रिविजन करते रहो अपना सेहत का ख्याल रखो और पढ़ते रहो बाय बाय टेक केयर